लेक्चर में पढ़ा था कि एडवर्टाइजमेंट क्यों एडवर्टाइजमेंट जरूरी है और क्या क्या एडवर्टाइजमेंट्स के चैनल हो सकते हैं और उसमें फेसबुक है वो इम्पोर्टेंट क्यों है. फिर हम वाई एम सींग दिस एड का फिनोमिना था कि उसमें बिहेवियर्स इंटरेस्ट और वो सब चीज़ें जो आपको शो हो रही होती हैं वो आपको कैसे पता चलती हैं, आपकी अपनी प्रोफाइल जो बिल्ड है वो कैसे आती है. उसके बाद जो फेसबुक का एड मैनेजर था उसके बारे में थी चीज़ें, जो बेसिक कैंपेन ओवरव्यू और एक रिपोर्टिंग का थोड़ा सा चैनल था वो था, और हमने लाइव एक कैंपेन भी सेटअप की थी. नेक्स्ट चीज़ में जो एड रिपोर्टिंग का जो हमने सारी चीज़ें देखी तो सब में रिपोर्टिंग भी शामिल था कैंपेन ओवरव्यू में उन सब में, पर फिर भी थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं आपका रिपोर्टिंग के ऊपर से. ये एक हमारे पास जी, हमने एक फेसबुक का बिजनेस मैनेजर खोल लिया, अकाउंट मैनेजर खोल लिया, ठीक है. अब हमने रिपोर्टिंग बनानी है. बेसिक रिपोर्टिंग बनती है आपकी डे वाइज भी बनती है, आप वीकली भी बना सकते हैं और आप ईयरली भी बना सकते हैं. एक आपको छोटी सी मैं रिपोर्ट दिखा भी देता हूँ कि ये है जी, ये एक मदद वेबसाइट की, ये एक मंथली रिपोर्ट मैं बनाता हूँ, ठीक है, कि उस पे वेबसाइट पे हर मंथ पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एवरेज बास्केट साइज क्या है, उस पे कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, उसके बाद ट्रैफिक कितनी आई है, कन्वर्जन रेट कितना था, मार्केटिंग स्पेंड कितना हुआ है और उसका आरओआई कितना आया, ठीक है. ये पिछले 6-8 महीनों का था और ये अभी अप्रैल का जो कंटिन्यू है, ठीक है. ये गूगल शीट बना के मैनुअली सारी एंट्रीज हैं, इसमें कोई ऑटोमेशन सिस्टम कुछ भी नहीं है, ये सारी मैनुअल एंट्रीज आ रही है, ठीक है. तो यहीं से आप डाटा उठाते हैं कि आपका वीकली या डेली बेस पे कितना एड सेट लग रहा है, स्पेंड कितना हो रहा है, उसके बाद ऑर्डर कितने आ रही हैं यहाँ पे आपके पास, कितनी परचेजेस आ रही हैं, और उसके बाद वेबसाइट से आप देखते हैं कि डेली की सेल आ रही है, वोटिंग की एक शेप. जी अब आवाज ठीक आ रही है. अच्छा ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वाला सीन है. इस तरह आप सारी इसकी रिपोर्टिंग क्रिएट कर सकते हैं. और अगर आपको कैंपेन लेवल पे चाहिए तो कैंपेन लेवल पे आपको कैंपेन लेवल पे रिपोर्टिंग नजर आएगी, उस पे बजट कितना स्पेंड हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, रीच कितनी जा रही है, इंप्रेशन कितनी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी. इसमें आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं. आप इस टैब पे क्लिक करें और ड्रॉप डाउन में आप जाके ये तो सिलेक्शन प्री जो उसमें डली हुई है उसमें आप देख सकते हैं, अगर परफॉर्मेंस वाइज कर रहे हैं, डिलीवरी वाइज कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, वीडियो की एंगेजमेंट है, ऐप एंगेजमेंट है, कैरोसेल की एंगेजमेंट है, तो ये प्री बिल्ड यहाँ पे है और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं. जाके कस्टमाइज पे क्लिक करें और ये सब आपके सामने लिस्ट नजर आ रही है, ठीक है. इस सब में आप जो जो आपको चीज चाहिए आप उसमें सेलेक्ट कर लें और ये टैब आ जाएगा. अब ये जो टैब आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे, ये 21 सिलेक्टेड आइटम्स लिखा हुआ है, ठीक है. इसके वो आप चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में आपको अभी वहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है. आप डिलीवरी को ऊपर कर लें, बजट को उसके बाद कर दें, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, ठीक है. तो ये सारा इस तरह इस फॉर्मेट में आ रहा है. उसके बाद इस कैंपेन को खोल के आप एड सेट लेवल पे जाएंगे तो एड सेट लेवल पे जो जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो होंगी कि किस एड सेट पे कितना स्पेंड हुआ, किस एड सेट से कितना रिजल्ट आया, कितनी रीच गई, और इसको भी आप उसी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं. और एड लेवल पे भी कि किस आर्टवर्क पे कितने इंप्रेशन चल रहे हैं और कितनी चीज़ें आ रही हैं. एक चीज़ जो आर्टवर्क के लेवल पे सिर्फ आती है और किसी लेवल पे नहीं आती है वो है आपकी फ्रिक्वेंसी स्कोर. अब फ्रिक्वेंसी स्कोर ये यहाँ पे इसके ऊपर लेके जाएं तो इसके ऊपर ये एक रेटिंग होती है 1 से लेके 10 तक कि लोगों ने इस एड को देखा और कितने उस पे रिजल्ट कितना आया. कि यहाँ पे आया कि 500 इम्प्रेशन के ऊपर इसको आपको स्कोर दिया जाता है फेसबुक की तरफ से कि कितना रेलिवेंट एड है, इसका जो आर्टवर्क है वो कितना अच्छा है, इसकी कैप्शन कितनी अच्छी है, जो आपकी टारगेटिंग है वो कितनी परफेक्ट है, कि रेलिवेंट लोगों को शो हो रहा है नहीं शो हो रहा. 500 लोगों को शो हुआ और इसमें से अगर 10-15 लोगों इंटरेस्ट लिया और बाकी सब ने नॉन इंटरेस्टेड थे, उन्होंने आपका एड देख के इग्नोर कर दिया या उसको खोला नहीं या पढ़ा नहीं, तो वो इनरेलीवेंट हो गया. उसकी बेस पे रेलिवेंट स्कोर दिया जाता है. ये आउट ऑफ 10 होता है और अगर ये
7-6 तक भी जाता है तो ये ठीक होता है, अगर 5 से नीचे नीचे है तो आप ये अपनी टारगेटिंग को चेंज करना है, वो आपकी टारगेटिंग फिर सूटेबल नहीं है। इसमें देख सकते हैं 7 है 8 है, इवन 6 भी है किसी जगह, बट 6 वाले पे सेल अच्छी आ रही है तो इसलिए हमने इसको नहीं कुछ भी किया, हमने इसको चलने दिया, ठीक है। बट ये जो 8 वाला है इसकी टारगेटिंग अच्छी है बट इसमें सेल कम है, क्योंकि ये प्रोडक्ट महंगी है इस वजह से, तो डिफरेंट इसकी स्टोरीज भी बन सकती है, डिफरेंट केस स्टडीज बन सकती है। तो ये था आज सारा रिपोर्टिंग का। उसके बाद वर्डप्रेस ई कॉम की वेबसाइट, वेबसाइट डेवलप करना ना तो नहीं बताएंगे बट आपको वेबसाइट के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो दिखाते हैं, और सिर्फ वेबसाइट नहीं आपको मैं शॉपिफाई भी दिखाता हूँ और मंजेंटो भी दिखाता हूँ, बेसिक ये 3 प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जी ये एक वेबसाइट है, ये बनी हुई है वर्डप्रेस में और इसका आपको मैं वेबसाइट का फ्रंट पेज भी दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट का जी फ्रंट पेज है, किचन की चीज़ें और हाउस होल्ड लिविंग वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं, ठीक है। बाथरूम एक्सेसरीज, किचन अवेयर, हार्डवेयर और इस तरह की चीज़ें, और ये इसका बैक एंड है और ये मच्छर है। ये जी इसका डैशबोर्ड होता है, यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल एक वू कॉमर्स का स्टेट नज़र आ रहा है कि इस महीने कितनी सेल की, कितने ऑर्डर आए और ये सब चीज़ें, और जो इसको इस पेज को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें आप डाल सकते हैं कि जो आपको फ्रंट पेज पे चीज़ें नज़र आनी चाहिए। उसके बाद पोस्ट, मीडियम, ये सारी जो कि वेब में चीज़ें होती हैं, किस तरह फॉर्म क्रिएट होने हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी है। उसके बाद प्लगइन्स होते हैं, हमने फेसबुक का पिक्सल इंस्टॉल करना है, डिफरेंट चीज़ें इंस्टॉल करनी है, वो सब आप प्लगइन्स से इंस्टॉल करते हो। उसके बाद एसईओ के लिए, एसईओ के टूल वगैरह यूज़ हो जाते हैं, और बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो फिर डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं। इसमें जो हमारे पास चीज़ आती है वो आता है वो कॉमर्स, ये प्लगइन है एक वो कॉमर्स का, वर्डप्रेस पे इंस्टॉल होता है, और वो कॉमर्स से एक सिंपल ब्लॉग या एक वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। तो वो कॉमर्स में आप जाते हैं, सबसे पहले आपके पास सारा रिकॉर्ड आ जाता है, कितने ऑर्डर्स हैं, कितने ऑर्डर प्रोसेसिंग में है, होल्ड में है, कंप्लीट में है, कैंसिल, रिफंड या ये सब चीज़ें, और कस्टमर के क्या क्या ऑर्डर किया, वो सब डिटेल आपके पास यहाँ पे इसके वो कॉमर्स के फ्रंट पेज पे आ जाती है। उसके बाद जो कूपन सिस्टम होता है उसमें से आप डिस्काउंट कूपन करनी है, जैसे क्रीम के डिस्काउंट कोड होते हैं वो भी इस तरह क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। कि आप यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू करते हैं, यहाँ से ये रहा, ऐड कूपन किया, और यहाँ पे जो भी उसका कूपन का कोड है, इसमें कितना डिस्काउंट देना है, परसेंटेज देनी है, फिक्स डिस्काउंट देना है, और कितने पैसों का देना है, कूपन कब एक्सपायर हो जाए, जिस तरह क्रीम वर्ग के डिस्काउंट कोड होते हैं वो इसी तरह क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है जी। ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है, उसके बाद ऑर्डर स्टेटस है अगला जो टैब है हमारा, ठीक है। जो आपको वो चीज़ें ऊपर नज़र आ रही थी ऑर्डर्स के ऊपर, एक कस्टमर एग्री हो गया है, शिप हो गया, वेटिंग हो गया, ऑर्डर डिलीवरी होगी, वो यहाँ से आप क्रिएट करते हो स्टेटसेस को, ठीक है। तो ये डेवलपर एंड चीज़, बट एज अ डिजिटल आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, जो ऊपर आपके पास हैं ये वाले, ये आप क्रिएट करते हो, कुछ इसमें से आपको मिल जाते हैं और जो ज़्यादातर चीज़ें होती है इसको आप यहाँ पे क्या आके क्रिएट करते हो, ठीक है। इसके बाद जो इसमें चीज़ आ जाती है वो आ जाती है रिपोर्टिंग की, ये सारी रिपोर्ट है कि आपको पूरा रिपोर्ट मिलता है कि आपकी सेल कितनी हुई है, ठीक है। इसको आप जाके मंथ वाइज सेलेक्ट कर सकते हो कि इस पूरे साल में कि आपकी कितनी सेल हुई, डेट सेलेक्ट की और मंथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आज की डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर दी। तो ये आपको ग्राफ के थ्रू, नंबर्स के थ्रू,
पूरी आपको सेल शो करा देगी, कितनी सेल हुई है, कितने ऑर्डर्स हैं, कितने ऑर्डर परचेज हुए, उसके बाद जो शिपिंग चार्जेस थी वो कितनी थी, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ वाइज आपको पूरे का पूरा यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, आपका कस्टमर्स का डाटा मिल जाता है आपको सारा, ठीक है। और इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कि यार 8 लोगों ने साइन अप किया, बाकी सब लोगों ने गेस्ट चेकआउट किया। अब उन 8 लोगों का आपको यहाँ से डाटा भी आप निकाल के देख सकते हो कि वो 8 लोग कौन हैं या क्या वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्टॉक में चले गए, तो ये वेबसाइट पे जितनी चीज़ें अपलोड हैं उनका स्टॉक यहाँ पे आ रहा है कि वो कितने कितने स्टॉक हैं उनके। किसी चीज़ को स्टॉक बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो, एडिट करके उसका स्टॉक बढ़ा दो। किसी का स्टॉक आउट करना है तो एडिट करके उसको यहाँ से 0 स्टॉक कर दो। उसके बाद क्विक एक्सपोर्ट में जितनी भी डेटाबेस है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिसमें कस्टमर्स का डाटा है, जिसमें ऑर्डर्स का डाटा है, जिसमें कूपन्स का डाटा है, ठीक है। ये आप कस्टमर का सिलेक्ट करो, उनकी तमाम चीज़ें कि उनको क्या क्या चीज़ें गई, बिलिंग इन्फॉर्मेशन और वो सब चीज़ें, और कब से कब तक चाहिए, उसको आप यहाँ से अपने पास एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद वो फेसबुक पे भी अपलोड हो सकता है, वो डिफरेंट जगह पे आप उसको ईमेल मार्केटिंग या कहीं भी यूज़ कर सकते हो। और ये शेड्यूल एक्सपोर्ट का, कि आपका वो मैं शेड्यूल सेट कर दिया कि हर मंडे मॉर्निंग को मुझे पूरे हफ्ते का जितना भी डाटा है वो सारा मुझे यहाँ पे रिसीव होता रहे, ठीक है। तो आप अपना ईमेल आईडी लिख दोगे किस फॉर्मेट में चाहिए, इसको सेव कर दो। अब ऑटोमेशन हर मंडे वाले दिन या ट्यूसडे जब भी आपने करना है, आप डेट सेट करनी है, आपको इसकी ईमेल आती रहेंगी। तो ये तो था वर्डप्रेस। उसके बाद जो शॉपिफाई है, ठीक है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जी शॉपिफाई का वेबसाइट है, ये उसका बैक पैनल है। ये थोड़ा सा आसान है वो कॉमर्स के निस्बत, कि इस पे आपको पेजेस कम हैं और इसमें डेवलपमेंट भी कम है, ठीक है। ये इसका मेन डैशबोर्ड है, ठीक है। इसमें आपको आपकी वेबसाइट पे जो सेल चल रही है उसके हवाले से सब चीज़ें मिल जाती हैं, कि इस टाइम आज के दिन में कितने ऑर्डर्स आए, उसके कितने सेशन से अभी लाइव कितने लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद कितने फुलफिल हो गए, पेमेंट कितने हो गए, कैप्चर हो गई। और नीचे जाते रहे तो आपको कंप्लीट आपकी स्टोर की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलती रहती है कि क्या क्या चीज़ें सेल हो रही हैं। बेसिकली ये सेल के ऊपर ज़्यादा इसका फोकस होता है, ठीक है। सारी डिटेल उसी बेस पर है। और यहाँ पे आपके राइट साइड पे सेल आ गई, लेट्स सपोज आप कहते हो कि मुझे इस महीने की सेल देखनी है, ठीक है, तो आप उसको सेलेक्ट करते हो तो आपको पूरे महीने की यहाँ पे सेल शो हो जाती है। फिर किस चैनल से हो रही है, वो ऑनलाइन स्टोर हो रही है, वो बाय बटन से हो रही है, मैसेंजर के थ्रू हो रही है, इन सब को यूटीएम वगैरह लगा के आप अलाइन कर सकते हो। पर हम ज़्यादातर ऑल चैनल्स पे ही सेल देखते हैं कि टोटल सेल कितनी आ रही है। उसके बाद सेल की थोड़ी सी स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है, कि ऑनलाइन स्टोर पे इतनी हुई, बाय बटन पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है। फिर टॉप प्रोडक्ट्स आपकी कौन सी रही वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है, और जो एक्टिविटी हो रही है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स में जाएंगे अपने लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो आपके पास जितने भी ऑर्डर्स हैं उनकी डिटेल्स आ जाएंगी, कस्टमर का नाम आ जाएगा, कस्टमर का डाटा आ जाएगा, आप एक एक ऑर्डर को खोल के उसको देख सकते हो कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, वो है कार्ट अबेंडेंट चेकआउट। अबेंडेंट चेकआउट का मतलब कि किसने एड टू कार्ट किया, उसको अपना डाटा वगैरह वहां पुट किया, पर उसने उसको चेकआउट नहीं किया, ठीक है। तो ये कार्ड अबेंडेंट इतने ये लोग थे, इन्होंने अपना नाम भी लिखा, अपना ईमेल आईडी भी लिखा, अपनी कंप्लीट एड्रेस लिख के, और उसको चेकआउट नहीं किया, अपना चेकआउट कंप्लीट नहीं किया। तो ठीक है, अब इतने ये लोगों के पास आपका डाटा, आप इसको कॉल सेंटर के थ्रू कॉल कर सकते हो, इनको ईमेल कर सकते हो, इनको एसएमएस कर सकते हो। ये आपको एक बिल्ट इन फीचर मिलता है शॉपिफाई में, बट अगर आप वर्डप्रेस में जाते हो तो आपको एक प्लगइन लेके उसमें डालना पड़ता है। फिर जिस तरह उसमें आप प्रोडक्ट्स वगैरह का था, इसमें भी आपको कंप्लीट मिलता है कि ये आपका सारा प्रोडक्ट्स का है, स्टॉक लिखा हुआ है साथ, कितना कितना स्टॉक है, प्रोडक्ट ऐड करनी है, कोई पुरानी प्रोडक्ट को डिलीट करना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। फिर इन्वेंट्री और गिफ्ट कार्ड्स वगैरह का वही कूपन वाला सिस्टम, और उसके बाद कस्टमर की कंप्लीट डेटाबेस, फिर एनालिटिक्स का छोटा सा पार्ट, ये इसके सारे कस्टमर की डेटाबेस आ रही है। अब इस सब को पकड़ के अपने पास एक्सपोर्ट कर लो, और आप उसको फेसबुक का जो पिक्सल है वहाँ पे अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लो, और या उनको रीमार्केटिंग करो, मैसेजेस करो, उस सब का डेटा आपको मिल जाता है। जो डैशबोर्ड ओवरव्यू में आप
टुडे सेलेक्ट करते हो तो आज के दिन में क्या क्या एक्टिविटीज हुई वो सब डेटा आपको यहाँ पे पूरी की पूरी आपको रिपोर्ट मिल गई कि आपके पास ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, आपके पास टॉप चीज़ें जो बिकने वाली है वो कौन सी बिकी हैं, उसके बाद जो सोर्स थे वो कौन से थे, सोशल से आई, डायरेक्ट से आई, सर्च से आई, किस लैंडिंग पेज पे वो फॉल कर रही हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम से आपके पास कितनी सेल आ रही है, फेसबुक से कितनी सेल आ रही है। तो ये थोड़ा सा डिटेल वर्जन है क्योंकि शॉपिफाई इज़ प्योरली फॉर शॉपिंग या ई कॉम वेबसाइट्स, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छा मजीद फिल्टर और इस तरह का डाटा मिलता है जो कि आपको वर्डप्रेस में इतनी इजीली नहीं मिलता। दूसरा, शॉपिफाई की मोबाइल एप्लीकेशन है, आप मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा आपको वेब खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सब रिपोर्टिंग सब कुछ वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि इसके 4 सेशन और कन्वर्जन रेट 75% है, ठीक है, कि 4 बंदे आए जिसमें से तकरीबन 3 बंदों ने शॉपिंग कर ली, ठीक है, सेम इस प्रोडक्ट के साथ। इस प्रोडक्ट का 100% है कि एक बंदा ही आया इस पे और इसने इसको प्रोडक्ट को देखा और शॉप कर लिया, इसका भी 100% कन्वर्जन रेट, इसका भी 100% कन्वर्जन रेट, कि एक एक बंदा आ रहा है और वो शॉप कर रहा है और वो लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये हाईली पोटेंशियल वेबसाइट के आप इन प्रोडक्टों को एड्स लगाओ, इस पे ट्रैफिक लेके आओ तो ये बिकेंगी, ठीक है, कि 2 बंदे आ रहे हैं जिसमें से एक बंदे ने शॉप कर लिया ये प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं, हम कैसे सेल कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट सेल होगी या नहीं होगी, ये शॉपिफाई आपको खुद बताएगा। उसमें प्रोडक्ट्स लगाओ, थोड़ी सी मार्केटिंग करो, ये आपको पोटेंशियल जिसमें है प्रोडक्ट्स का वो ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, ठीक है। और ये कब से कब तक ले रहा है, तकरीबन 1 वीक का डेटा है, 6 से लेके 16 अप्रैल तक इन ये पोटेंशियल आपके प्रोडक्ट्स थी। उसके बाद सजेशन में जाएं तो ये आपको डिफरेंट सजेशंस भी और देगा कि आप एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करें, आप जी स्टॉक इन्वेंटरी को बढ़ाएं और ये करें और मैक्सिमाइज विजिबिलिटी के उसको बैनर्स लगाएं और उसको पुश नोटिफिकेशंस और उन सब चीज़ों में शो करें। फिर इसका जो रिपोर्ट का है, ठीक है, आप पूरी की पूरी इसे रिपोर्ट देख सकते हो जिस तरह हमने फेसबुक पे देखी थी, ठीक है। पर इस पे थोड़ा सा ग्राफिकली अच्छी चीज़ों के साथ आपको पूरे का पूरा ये रिपोर्टिंग सिस्टम बना के देता है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जैसे हम करते हैं फाइनेंस पे जाते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं इतनी आपकी टोटल सेल हुई जिसमें से इतनों के आपके पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, इतने पेंडिंग में हैं, और मार्केटिंग का भी सेम ऐसे ही आपको बताएगा कि आपकी इतनी कैंपेन चली, बाकी कुछ पेड हैं या कुछ उस चीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइव व्यू में कि इस टाइम आपकी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, कितने बंदे बैठे हुए हैं, आज के दिन में टोटल कितने सेशंस हुए, कितने ऑर्डर्स आए, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, और रियल टाइम में कि 10 मिनट पहले कितने लोग थे, 5 लोग थे, फिर 0 हो गए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरह ये आपकी रियल टाइम में चल रही है चीज़ें। अभी इस टाइम कार्ड पे कोई नहीं है, मतलब कार्ड वाला पेज जहाँ पे आप अपना डाटा वगैरह इनपुट कर रहे होते हो, ठीक है, चेकिंग आउट वाले पेज पे कोई नहीं है, और अभी तक परचेज वाले पेज पे कोई भी नहीं है, पिछले 10 मिनट में हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी शॉपिफाई के अंदर। अगर आप एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो आप शॉपिफाई पे काम करो, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। ये गूगल शॉपिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और आप इसको यहाँ से अपनी गूगल शॉपिंग की और उन सब चीज़ों की कैंपेन पे सेटअप कर सकते हो। फिर वही डिस्काउंट कोड जो सेल लगती है, कितने परसेंट ऑफ देना है, कितने परसेंट आपने उसको डिस्काउंट करना है, तो वो सब चीज़ें, या आपने कोई स्पेशल कूपन देना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं। फिर जो तीसरा हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास मजेंटो का। मजेंटो का सिस्टम नो डाउट बहुत बड़ा सिस्टम है और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, बट हमारे लोकल मार्केट में, हमारे जितने भी लोकली चल रहे हैं, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है मजेंटो की। मजेंटो की और शॉपिफाई में कुछ चीज़ों का फ़र्क है उनके, जिनके ऊपर आप डिसाइड करते हो कि आपने कौन सी वेबसाइट लेनी है या किस टेक्नोलॉजी में बनानी है। तो इसका भी डैशबोर्ड ऐसा ही है, थोड़ा सा ये बोरिंग टाइप का है, जिस तरह शॉपिफाई कलरफुल है, तो इस तरह इतना कलरफुल नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग सा ही है। इसमें आपका जो चल रहा है ओवरव्यू, वो इसका जो चल रहा है वो ये ऊपर टॉप मेन्यू के ऊपर चलता है,
ठीक है, बहुत पुराने स्टाइल का, बहुत पुरानी लुक का ये। तो ये डैशबोर्ड में आ रहा है, ये सामने चीजें आपकी आ रही हैं, ठीक है, कि क्या चीजें बिक रही हैं, लास्ट 5 चीजें क्या क्या बिकी, किन लोगों ने खरीदी, टॉप सेलर आपके कौन से रहे थे आज के दिन में, और ये डेटा क्यों नहीं चल रहा, ये शायद लोड नहीं हो रहा सही तरीके से। उसके बाद फिर आप सेल में जाते हो, तो सेल में सबसे पहले आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं कि इन इन लोगों ने आपके पास इतने इतने पैसों के ऑर्डर किए, कंप्लीट लिस्ट आ गई। आप एक एक कस्टमर को खोलोगे और आपके पास एक एक कस्टमर का डाटा आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इनवॉइसेस आपने कस्टमर्स की बेचते हो, उसमें से कितने पेड हो गए, कितने नॉन पेड हुए, उनका डाटा सारा जो फाइनेंस में जाता है। फिर शिपमेंट में आपने किस किस को शिप किया, क्रेडिट कैश मेमोज वगैरह कितने बने, कितनी ट्रांजैक्शन हुई, बिल एग्रीमेंट्स वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर कैटलॉग में आ जाता है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट की आपके पास कितनी प्रोडक्ट है, उनकी इन्वेंट्री वगैरह क्या है, एट्रीब्यूट्स और ये टैग्स वगैरह, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर कस्टमर्स का डाटा यहाँ पे आ जाता है, आप यहाँ से कस्टमर का डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, या उसको आपने मैनेज करने से ही मुराद होता है, इसमें मैनेज करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बट आपके पास कंप्लीट लिस्ट आ जाती है आपको कौन किस डेट में चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, मेल फीमेल चाहिए। फिर प्रमोशंस का वही डिस्काउंट और सेल वाला आ जाता है। देन आप न्यूज़लेटर को यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो, जितने न्यूज़लेटर चैनल्स हैं उनको इंटीग्रेट करो और यहाँ से आप न्यूज़लेटर भिजवा सकते हो। फिर सीएमएस सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आप डिफरेंट पेज होते हैं उनको कंटेंट उसके ऊपर आ रहे हैं, यहाँ से ब्लॉग आप अपने इसके साथ अटैच कर सकते हो, और फिर बाकी एक्सटेंशन वगैरह। फिर इसकी अपनी रिपोर्टिंग होती है, लेट्स सपोज आप ऑर्डर रिपोर्ट में जाते हो, ऑर्डर्स पे कि आपको चाहिए शो रिपोर्ट, पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। कुछ यहाँ पे थिंक सिलेक्शन हमने नहीं की, सेल और ऑर्डर्स। इसमें कुछ डेटा का इशू हो रहा है, पता नहीं कुछ शो नहीं हो रहा, इसको मैं चेक करता हूँ। बट यहाँ पे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाती है, जिस तरह हमारे पास शॉपिफाई में आती, तो ये थोड़ी सी लिस्ट वाइज इस तरह आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद और ये पैनल होता है मेजेंटो का, ठीक है। तो आपने मेजेंटो का पैनल भी देख लिया, आपने शॉपिफाई का पैनल भी देख लिया, और आपने वर्डप्रेस या उसका वूकॉमर्स का पैनल है जो ई कॉम वेबसाइट का, वो भी आपने देख लिया। तो इस तरह के इनके पैनल्स होते हैं और ये सारे बैकएंड्स हैं। अब जो इसमें फ़र्क होता है वो ये है कि जो वर्डप्रेस है, वूकॉमर्स है, ये बहुत ही आप कह लो कि छोटे लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो तब आपके लिए, क्योंकि एक सस्ता प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाओ, डोमेन होस्टिंग लो, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, उसमें वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल कर दो, तो वो ई कॉम वेबसाइट बन जाती है। शॉपिफाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अगर आप कम से कम पैकेज लेते हो तो आपको तकरीबन 3,000-3,500 हर महीने शॉपिफाई को देना पड़ता है, उसके सर्वर वगैरह का, और ये जो आप पूरा सिस्टम चला रहे हो इसकी फीस, ठीक है। और जो थीम्स वगैरह लेते हो, परचेज करते हो, वो अलग है। और देन आप मजेंटो में जाते हो, तो मजेंटो एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए है, ठीक है। लेट्स सपोज सना सफीनास के पूरे पाकिस्तान में आउटलेट्स हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, उनके डिफरेंट वेयर हाउसेज हैं, वो सब कुछ ऑटो इंटरलिंक कनेक्ट होके उसका जितना भी डाटा है वो आपको यहाँ पे एक जगह पे मिल जाता है। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि मल्टीपल आउटलेट्स हैं, मल्टीपल स्टोर्स हैं, मल्टीपल ब्रांचेज हैं, और वेयर हाउसेज डिफरेंट है, आप मल्टीपल कंट्रीज से ऑपरेट करोगे, पाकिस्तान की वेबसाइट और खोले, यूके में और खोले, ऑस्ट्रेलिया में और खोले,
ठीक है, और उसके बाद प्राइसेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, और इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं ये पॉसिबल होती हैं मजेंटो के अंदर। इवन शॉपिफाई में या वर्डप्रेस में भी वो चीज़ें आ जाती हैं, बट अब एक सिस्टम की अपनी एक जो आप कह लो कि मेन टूल होता है इसका, जो मेन उसमें क्या उसे कह सकते हैं कि खासियत होती है हर चीज़ की, तो ये मजेंटो की ये खासियत है कि इट्स अ मल्टी चैनल, ठीक है, और एक बड़ी फर्म के लिए जिसमें 10 लाख प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अमेजोन के पास 10 लाख सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और इस तरह बहुत बड़ा चैनल है, तो उन लोगों को ये सूट करता है कि वो अपनी मेजेंटो के ऊपर, या जैसे सना सफीना मेजेंटो पे है, जे डॉट मेजेंटो पे है, उनके पास भी हैवी रेंजेस है प्रोडक्ट की। अगर आपके पास टोटल 300-400 प्रोडक्ट हैं या 1000 प्रोडक्ट्स हैं और एक जगह से ऑपरेट हो रही हैं, एक ही कंट्री में चल रहे हैं, तो फिर आप मेजेंटो शॉपिफाई अच्छे तरीके से यूज कर चलाना चाहते हो वेबसाइट, तो शॉपिफाई है। और अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें स्टूडेंट लेवल पर सीखने के लिए, या कुछ 10,000 लगाऊं 20,000 कमा लूं, तो इसके लिए वर्डप्रेस तक लेवल तक का ठीक है। तो ये तो था जी हमारा वेबसाइट का ओवरव्यू, आपको आज एक चक्कर लगवा दिया तीनों वेबसाइट का, जुले माया होगी आप सबकी। अब हम जाते हैं अपने चैट बॉक्स पे, और किसी का कुछ सवाल जी, शेख साहब मेरे ख्याल से सो गए हैं। ओके, हो गया। खिजर साहब, ये स्टॉक वाली आइटम कहाँ पड़ी है रियल टाइम में? स्टॉक वाली आइटम जी वेयर हाउस में। उसके बाद सर, आप वर्डप्रेस की ADV क्लास दे रहे हैं, जिसको बेसिक का नहीं पता उसको? जी मैं वर्डप्रेस के वो क्लास नहीं दे रहा, वर्डप्रेस बस दिखा रहा था कि ये चीज़ें होती हैं, ये उसमें ऑप्शंस होती हैं, जिसको वैसे क्या बताओ, जो उससे पहले सबसे ऊपर से गुजर है इतना फास्ट। इट्स एन ओवरव्यू जस्ट फॉर योर वेबसाइट सर, गूगल एनालिटिक्स शॉपिफाई के साथ कैसे अटैच करते हैं? स्टोर का नाम है शॉपिफाई। नहीं जी, ये शॉपिफाई का वो है, ठीक है, और रिज एरीज उस वेबसाइट का नाम है जो कि शॉपिफाई के ऊपर यूज हो रही है। प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है, मार्केट से या दुकानों से? व्हाट डज द टर्म ड्रॉप शिपिंग मीन? ड्रॉप शिपिंग एक डिफरेंट चैनल है, वो आपको बिल्कुल लास्ट में उसको बताएंगे। अच्छा जी, इट्स अमेजिंग वेबसाइट। ओके जी, शॉपिफाई के प्रोडक्ट पाकिस्तान में डिलीवर होती है? वो शॉपिफाई के प्रोडक्ट नहीं है, वो एक लोकल वेबसाइट है, और वो शॉपिफाई का शॉपिफाई सिस्टम के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है, और वहाँ से वो डिलीवर कर रहे हैं। सर आपकी सारी सेल पाकिस्तान में है या आउट ऑफ पाकिस्तान में भी सेल होती है? अब ये डिपेंड करता है कि वो डिलीवरी जो वेबसाइट ऑनर है वो डिलीवरी कहाँ कहाँ दे रहा है। अगर पाकिस्तान से बाहर भी डिलीवर कर सकता है तो पाकिस्तान से बाहर भी चीज़ें जाती हैं। शॉपिफाई के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में डिलीवर होती हैं सर? आपकी सारी सेल पाकिस्तान में नहीं? थैंक यू सो मच, जो हो जाए सर। ओके जी, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शेख इमरान के सोते सोते में हम चले जाते हैं गूगल एनालिटिक्स पे। लेट मी ओपन गूगल एनालिटिक्स। जी हमारा टॉपिक अली एक्सप्रेस या डिलीवरी सिस्टम नहीं है, हम अभी पढ़ रहे हैं एनालिटिक्स। तो काइंडली आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो रेलेवेंट टू द टॉपिक कर रहे हैं, जो आपको अभी पढ़ा रहे हैं, अभी जो चीज़ें बता रहे हैं, आपका फोकस इधर उधर जाएगा तो आपको अभी वाली चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो अभी वाली चीज़ों पर आप फोकस करें, जो बाद की चीज़ें हैं वो हम फिर चाय पे बैठेंगे तो तब डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, ये एनालिटिक्स है, ये सिंपल एक कोड के थ्रू आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आपका वर्डप्रेस है, इसके अंदर प्लगइन्स में आप जाते हैं, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं कि जो ऑलरेडी इस वेबसाइट पे इंस्टॉल है। शेख साहब आवाज आ रही है आपको? शेख जी सर आ इमरान, रही है, बिल्कुल आ रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही ना सर।
माइक मैंने नोट किया होता, मैंने कहा आपका फोकस रहे ना सेशन आप माइक भी देख रहे हैं, फिर वो बात हो जाए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक प्लगइन है ठीक है, जो कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे इंस्टॉल है आपने जस्ट। अच्छा नहीं, एनालिटिक्स फ्रॉम फेसबुक, सर आपने ना मैं कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे आ रहा होगा एनालिटिक्स। शेख साहब आपको नज़र आ रहा है कि गूगल एनालिटिक्स लिखा हुआ? हमें नज़र नहीं आ रहा, हम सर्च कर लेते हैं। ये रहा जी, ठीक है, ये एक प्लगइन है वू कॉमर्स गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन। सिर्फ ये प्लगइन इसमें अपने वर्डप्रेस में अपने पास इंस्टॉल करना है, उसके बाद जाना है अपने गूगल एनालिटिक्स, analytics.google.com के ऊपर। तो इस तरह की कुछ विंडो आपके सामने आएगी, जो जहाँ पे नीले नीले डब्बे बिल्कुल खाली होंगे, इसके आपने जाना है एडमिन पे क्लिक करना है। वो आपसे थोड़ा सा डाटा लेगा, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, यूआरएल क्या है, आपका नाम क्या है, जो शेख इमरान है उसका वो कहाँ पे रहता है, इस तरह का थोड़ा सा आपसे वो डाटा पूछेगा। अब मुझे इस अकाउंट की परमिशन नहीं है, जिस अकाउंट की परमिशन है मैं वो खोल लेता हूँ ठीक है। मुझे इस अकाउंट की, इस अकाउंट की होगी मेरे पास, और इसमें डाटा नहीं होगा दिखाने का। अच्छा जी, इसके एडमिन में जाते हैं ठीक है। ये आपके सामने सबसे पहले अपने जो सिस्टम लॉगिन करेंगे analytics.google.com, वो आपसे पूछेगा किस अकाउंट के लिए बनाना है। आपने जस्ट वहाँ पे वेबसाइट का नाम डालना है, कॉपी पेस्ट करना है, नेक्स्ट 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 करना है। आप इस पेज पे पहुंच जाओगे, एडमिन खोलोगे ठीक है, तो ये आपके सामने विंडो आ जाएगी। आपने जस्ट जाना है ट्रैकिंग इन्फो के ऊपर और ट्रैकिंग कोड लेना है यहाँ से ठीक है। ये आपके सामने ट्रैकिंग कोड आ जाएगा, आ गया। ये है जी आपकी ट्रैकिंग आईडी, आपने इस आईडी को कॉपी करना है, वापस जाना है अपनी वर्डप्रेस के अंदर जो प्लगइन इंस्टॉल किया था आपने, उस प्लगइन को खोल के इसके अंदर सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, उसको सेव करना है, और उसके बाद इट विल ऑटोमेटिकली सब चीजें इंटीग्रेट हो जाएंगी ठीक है। एक जादू की पूर्णिया से ठीक है, उसके बाद फिर वापस आप आ जाएं अपने पास। अब जो दी जल्दी से समझा देता हूँ, वो पूछ सकता है, और जिसको समझ आ रही है वो नहीं पूछ सकता। कोई अकाउंट खोल लेते हैं जिसमें हमें कुछ डाटा मिल जाए। अच्छा जी, 8-9 बंदे बैठे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, इसमें ये आपके सामने लेफ्ट साइड पे 5 टैब्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ठीक है, जो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट का स्टेटस है, उसमें वेबसाइट में क्या हो रहा है, कौन बंदा कहाँ से आ रहा है, वो कर क्या रहा है वेबसाइट पे, वो क्यों आया है, वो कहाँ से आया है, किस लिए आया है, क्या करने आया है, सब का सब आपका एनालिटिक्स है। बेसिकली एनालिटिक्स है वो आपकी वेबसाइट के लिए खुफिया एजेंसी का काम करता है ठीक है। जैसे आपकी बहुत सारी खुफिया एजेंसी हैं, वो नज़र रखती हैं लोगों के ऊपर, वो रिकॉर्ड करती हैं, वो डेटाबेस बनाती हैं कि शेख इमरान ने सन 2017 में क्या गलत काम किया था, या 2019 में इसने कैसा क्या काम किया। तो वो सारी खुफिया रिपोर्टें आपकी वेबसाइट की जितनी है वो आपको एनालिटिक्स बना रहा होता है। तो सबसे पहले एक आपको आ जाता है ओवरव्यू रियल टाइम में। जो गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट है वो अप टू 98% एक्यूरेट है, फेसबुक की जो रिपोर्टिंग है वो 50-60% एक्यूरेट होती है ठीक है। इसलिए फेसबुक की रिपोर्टिंग पे कोई काम नहीं करता, फेसबुक की रिपोर्टिंग के ऊपर जो है वो बेसिक रिपोर्ट्स नहीं बनाई जाती, या उसके ऊपर इतनी वर्किंग नहीं की जाती, इतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता। बट जो एनालिटिक्स की रिपोर्ट है, अच्छा फेसबुक की रिपोर्ट टू योर वेबसाइट ठीक है, कि जो फेसबुक की रिपोर्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर है, वेबसाइट के ऊपर लोगों के बिहेवियर्स क्या थे, वो क्या कर रहे थे, कितना टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो फेसबुक एनालिटिक्स का भी पूरा एक पार्ट है।
और उसको ना हम पढ़ते हैं ना कभी जिंदगी में यूज किया किसी ने, और जिसने शायद बनाया था उसने 3-4 दफा खोल के देखा होगा, मैंने आज तक उसको जस्ट देखा या कभी यूज नहीं किया क्योंकि वो इतना ऑथेंटिक नहीं है। फेसबुक खुद कहता है कि 60% ऑथेंटिक है, बट गूगल कह रहा है कि उसका एनालिटिक्स 98% एक्यूरेट है, जो कि प्रूवन चीज है। अभी बहुत बड़ा टूल है एनालिटिक्स, एक बहुत बड़ी दरिया है, बहुत बड़ा जंगल है। इसमें आपको आपके कैंपेन्स की सेटअप, आपकी पास हिस्ट्री, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, ठीक है, एंड फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी आप यहाँ से मार सकते हो। तो सबसे पहले आप जाते हो अपने ओवरव्यू पे, ओवरव्यू पे बता रहा है कि यार इसमें 11 बंदे बैठे हुए हैं, तो आप सोचते हो बंदे किस किस पेज पे बैठे हुए हैं, तो वो जी इस पेज पे बैठे हैं, चेकआउट पेज पे बैठा हुआ है, एक उसके हार्डवेयर के पेज पे बैठा हुआ है, एक क्लीनिंग के पेज पे है, कोई बॉक्सेस के पेज पे है, कोई डस्टबिन परचेज करने आया हुआ है, कोई ये आर्टिफिशियल प्लांट्स ले रहा है, ठीक है, जो ग्रीन होता है ये न्यू अभी अभी आया तो वो ऐड हो जाता है, और जो जाता जा रहा है वो निकलता जा रहा है। 7 बंदे जी आए हुए हैं आपके फेसबुक से, और एक बंदा आया है इंस्टा से भी, ये ग्रीन हुआ तो ये 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास 92% मोबाइल फोन से आ रहा है, और आपके पास 8% आ रहा है डेस्कटॉप से, और ये यहाँ पे बैठे हुए जी 9-5 बंदे ये कराची में बैठे हुए हैं, 2 बंदे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, एक बंदा सियालकोट में है, 3 बंदे लाहौर में है। तो ये आपको छोटा सा रियल टाइम का जो है वो मिल जाता है। उसके बाद आप रियल टाइम में जाते हो लोकेशंस, क्या ये अच्छा 12 बंदे पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान पे क्लिक करते हो तो यार ये कराची से हैं, लाहौर से हैं, यहाँ से हैं, कराची पे क्लिक करते हो तो ये आपको सिर्फ बताता है कि कराची से। अब कुछ आपकी जो US वगैरह की हैं, जहाँ पे आपका स्ट्रीट्स और वो सब चीज़ें भी हैं, ठीक है, जो कि गूगल एनालिटिक्स और उन सब के ऊपर चलती हैं, तो ये उसको भी शो कर देता है, बट ये यहाँ पे सिर्फ सिटी वाइज तक लेके जाता है। फिर आपका आ जाता है ट्रैफिक सोर्स कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो सोशल से फेसबुक से 9 बंदे हैं, डायरेक्ट लोग जिन्होंने वेबसाइट खोली और उस पे आए वो 3 बंदे हैं, और जो स्टोरीज से आई हैं वो भी 2 हो गए हैं कि फेसबुक इंस्टा की जो स्टोरीज चल रही हैं वहाँ से 2 बंदे हैं। कंटेंट बेस इतना काम नहीं होता, ठीक है, बट जो SEO वगैरह लोग करते हैं, जो कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होता है कि वो लोग किस पेज पे आए हैं, उस पेज का टाइटल क्या है, ठीक है। जो SEO बेस काम करते हैं सिर्फ उनके लिए ज़्यादा होता है, और इवेंट बेस भी उनके लिए होता है, ठीक है। हमें ऐसी कोई समझ नहीं है इसलिए हमें खुलते नहीं है। अच्छा जी ये है कन्वर्जन का कि इसमें आप गोल सेटअप करते हैं, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि आप जाते हैं यहाँ से एडमिन में, और यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास गोल, आपकी वेबसाइट के ई कॉमर्स के गोल्स होते हैं, ठीक है। पहला गोल क्या होता है कि जी कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, वो आपको पता चल गया रियल टाइम में वो आ रहा है। सेकेंड गोल होता है कि वो ऐड टू कार्ट करें, ठीक है, आप ऐड टू कार्ट का गोल सेटअप कर देते हैं, और व्हाट्सएप को हम कर देते हैं बंद, ठीक है। अब यहाँ से न्यू गोल में जाते हो, ठीक है, और आप कहते हो कि यार वो बंदा जो मेरे वेबसाइट के ऊपर आए मुझे वो ऐड होना चाहिए गोल में, ऐड टू बास्केट किया, उसका हमने ओके किया, ठीक है, इसका नाम रख लिया ऐड टू बास्केट, इसको हमने कंटिन्यू किया, और यहाँ पे हमने डालना है अपना लिंक, ठीक है, हमने डेस्टिनेशन पे किया कि जिस पेज के ऊपर वो लैंड होता है, ठीक है, और इसको किया हमने यहाँ पे पेज का लिंक डाल दिया, ठीक है। लेट्स सपोज हमने डाल दी www.daraz.pk/@ टू कार्ट। अभी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐड टू कार्ट का पेज का लिंक आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा, यहाँ पे आप खोलो जी दराज, इस जस्ट एग्जांपल के लिए आपको मैं दराज खोल के बता रहा हूँ, आप अच्छा जी किस किस को आज का लेक्चर बोरिंग लग रहा है वो जरा यस लिख के बता दे कि जी बोरिंग है।
जी इंटरनेट का थोड़ा इशू हो रहा है बारिश के हिसाब से। बारिशें ये आपको पता है आजकल लगी हुई हैं शिद्दत से, तो नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। अच्छा जी, हमने दराज की वेबसाइट खोल ली और हमने इसमें से ये जी MI बैंड के पेज को खोल दिया। अब हमने इस पे कहाँ क्लिक करना है जी? ऐड टू कार्ट के ऊपर। ठीक है यार, ये तो रजिस्ट्रेशन मांगेगा, गूगल के थ्रू रजिस्टर हो जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा जी, ये आप आ गए, तो पॉपअप कर दिया गो टू कार्ट। देखिए आ रहा है ये स्लैश कार्ड। ठीक है, ये मेरा कार्ड है और मैं हूँ अभी कार्ड वाले पेज पे। आपने इस लिंक को क्लिक किया जो कि आ रहा है .pk तक डोमेन थी, आगे पहला स्लैश आया तो आगे वो पैरामीटर्स में चला गया। ठीक है, इसको कहते हैं पैरामीटर्स। आपने इस पहले पैरामीटर को कर लिया Ctrl+C और एनालिटिक्स में जाके कर दिया Ctrl+V। ठीक है, कि अब आपकी वेबसाइट पे इस पैरामीटर में जो भी बंदा होगा, यहाँ से देखें इक्वल्स टू बिगेंस विद और रेगुलर, आप चाहें इक्वल टू, आपके पूरे लिंक में जहां भी ये स्लैश कार्ड होगा आपका एक गोल काउंट कर लिया जाएगा गूगल एनालिटिक्स के ऊपर कि इसने ये किया। इसको कहते हैं इवेंट फायर होना, कि जैसे ही उस पेज पे पहुंचा। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस पेज के ऊपर पहुंचा मेरा एक इवेंट फायर हो गया, उसी वक्त उसने गूगल ने उसके गोल में ट्रैक कर लिया कि जी ये इस पेज पे आ गया है। ठीक है, इसकी रियल टाइम में वैसे मिसाल दो कि आपने एक सर्कल लगाया, ठीक है, और उसमें जाके बहुत सारे बंदे गुजर रहे हैं इस रोड के ऊपर से, पर जिसका पाँव इस सर्कल में आएगा तो इस सर्कल अलार्म बजेगा या रेड हो जाएगा या वो माइंस होगी तो फट जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह है कि वो इवेंट फायर हो गया, जैसे इस ऐड टू कार्ड वाले पेज पे आपकी वेबसाइट पे घूम रहे, जैसे ऐड टू कार्ड वाले पेज पे आया तो वो एक इवेंट काउंट हो गया। ठीक है, तो हम हर गोल सेटअप कर सकते हैं, ऐड टू कार्ड, ऐड टू बास्केट कर सकते हैं कि किसने हमारी वेबसाइट के ऊपर चेकआउट पेज के ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कह लो कि यार शॉपिंग का कर लो, आप शिपिंग कर लो, क्या वो शिपिंग वाले पेज पे गया, या आप यहाँ से उठा लो कि प्रोसीड टू चेकआउट वाले पेज के ऊपर गया। ठीक है, आप प्रोसीड टू पे करो तो अब ये मांगेगा पैसे जो कि हमारे पास है नहीं इस वक्त। ठीक है, अब इसका अलग से एक बन गया, अब यहाँ पे आ गया पेमेंट कैशियर, आप इसको कॉपी कर लो, ये एक नया इवेंट बना सकते हो, इसको नया गोल बना सकते हो। किसी को शेख इमरान के एड्रेस मालूम है? शेख इमरान के एड्रेस पे हम COD पे प्रोडक्ट अगर भिजवा दें तो अच्छा, चलें बाद में। ठीक है, तो इस तरह आप गोल सेटअप कर सकते हो, गोल्स बना सकते हो, और जिस टाइम आप अपने गोल वाले पेज के ऊपर होगे, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही होंगी। लेट्स सपोज मेरा ब्लैक फ्राइडे का इवेंट चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे जी 50 बंदे बैठे हुए हैं और 50 में से 30 बंदे ऐड टू कार्ड वाले पेज पर हैं, वो भी अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, 10 बंदे शिपमेंट वाले पेज पे हैं, वो सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सी ऑप्शन होगी शिपमेंट के लिए, एक बंदा परचेज वाले पेज पर है जी या थैंक यू पेज के ऊपर है। ठीक है, जो आपका आप ऑर्डर प्लेस करते हो जो लास्ट पेज आता है उसको थैंक यू पेज कहते हैं, जहाँ पे मैसेज लिखा होता है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, कि जी थैंक यू वाले पेज पे कितने बंदे हैं। तो ये था एक ओवरव्यू का। उसके बाद जी आ जाते हैं आपका ऑडियंस का, ऑडियंस पे आप क्लिक करते हो तो हम साथ साथ आइसक्रीम भी खाएंगे आज। शेख साहब आइसक्रीम खाएंगे? एनी स्टूडेंट वॉन्ट्स टू ईट आइसक्रीम विद मी? असल में आज मेरे घर पे गेस्ट आए थे, सेकेंडली मुझे बड़े एक इम्पोर्टेंट बंदे के साथ डिनर पे जाना था, बट सब चीज़ें स्किप करके शेख इमरान की फरमाइशों में इधर आ गए। अच्छा जी, यहाँ से सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लोगे डेट, लेट्स सपोज मैं पूरा महीना यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ।
अब ये सब चीजें आ गई मेरे सामने कि मेरी ऑडियंस लोग अवाम कितने थे, ठीक है, इतने यूजर्स मेरी वेबसाइट के ऊपर आए जो मैंने डेट सेलेक्ट की है वो, उसमें से जी न्यू यूजर इतने थे, पुराने कितने थे जी, वो कितने लोग थे जो बार बार आते थे या दो तीन चार दफा आए। आप न्यू यूजर माइनस टोटल यूजर करो तो तकरीबन को 432 के अराउंड वो लोग थे, 22 के अराउंड के जो के घूमते फिरते रहते हैं या आते दो तीन दफा आते रहे। टोटल सेशन इतने क्रिएट हुए। सेशन का मतलब है कि मैंने अब ये मेरे सामने एक पेज खुला हुआ, ये एक सेशन है, मैंने दूसरे पेज पे क्लिक किया वो दूसरा सेशन बन गया, तीसरे पे क्लिक किया तीसरा सेशन बन गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेशंस पर यूजर मेरे सामने आ गया कि एक यूजर तकरीबन कोई 1.32 सेशन मारता है मेरी वेबसाइट पे आके, ठीक है। सेशन टाइम पे भी हो सकता है, नंबर ऑफ पेजेस पे भी हो सकता है, या मैं इस एक पेज पे रहूँ और दूसरे इसको स्क्रॉल डाउन करूँ उसको भी सेशन काउंट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पेज व्यूज हुए जी तकरीबन 7,500, नहीं 75,000 अराउंड, 76,000, तो इतने लोगों ने पेज व्यूज किए। टोटल पेज व्यूज कितने हुए पर यूजर के हिसाब से, 16, एक यूजर ने तकरीबन 16 पेजेस देखे, एक यूजर तकरीबन 5 मिनट 5.5 मिनट मेरी वेबसाइट पे रहा, बाउंस रेट हुआ सिर्फ और सिर्फ 6%, ठीक है। अच्छा, बाउंस रेट क्या होता है कि आपने वेबसाइट खोली और फौरी तौर पे उसको बंद कर दी। मैंने खोला जी दराज डॉट पी के और मैंने इसी पेज पे आके इसको कर दिया बंद, ठीक है, ये बाउंस रेट हो गया। खैर वो कित आया और बाउंस बैक करके, जैसे क्या आप बॉल एक फेंकते हो दीवार पे लगती है तो फौरी तौर पे बाउंस होती है, बॉल दीवार पे रुकती नहीं है, या वो कहती है मैं सांस ले लूँ मैं 10 मिनट बाद जाऊंगी, या मैं देख लूँ दीवार पे क्या क्या तस्वीरें लगी हुई हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो आया और गया, इसको कहते हैं बाउंस रेट। तो ई कॉमर्स का जो बाउंस रेट है वो ऐप का अगर 30-40% है तो वो बड़ा एवरेज बाउंस रेट है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा है तो वो फिर आपकी मार्केटिंग में आपको चीजें देखनी पड़ेंगी वो क्यों ज्यादा है। हम यहाँ पे दराज का बाउंस रेट देते हैं तो तकरीबन 50% है, ठीक है। लोग आते हैं दराज और वो फौरी तौर पर से खोल देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कि यार जो आपके आ रहे हैं दराज पे एवरेज ट्रैफिक इस महीने अराउंड 10.9 मिलियन, 1 करोड़ और तकरीबन 10 लाख लोगों ने वेबसाइट को खोला, 50% ने तो पहले पेज पे बंद कर दिया, ठीक है, तो उनकी आधी ट्रैफिक तो होगी जाया। अब वो ये कौन से लोग हैं, आप सॉन्ग्स डॉट पी के या इस तरह कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो एकदम से दराज का ऐड आपके सामने आ जाता है और उसको फौरी तौर पे बंद करते हो, जो उस जगह पे उन चैनल्स पे मार्केटिंग हो रही है ना, ये वहां से आपका बाउंस रेट बढ़ता है। 5.5 मिनट का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है एक वेबसाइट पे गुजारने के लिए, ठीक है। तो 5.5 मिनट का टाइम भी हमारी वेबसाइट पे बहुत मटेरियल है, बहुत अच्छी चीजें हैं, हमारे बैनर्स बहुत अच्छे हैं, डाटा बहुत अच्छा है और लोग उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो पेज के ऊपर वेबसाइट के ऊपर है। ये चीजें आ गई। उसके बाद लैंग्वेज का पाकिस्तान में इतना कोई सिस्टम चलता नहीं है, ठीक है। वो लास्ट में मैंने वो बताया था कि जी आपका यूरोप वाली साइड पे लैंग्वेज का ज्यादा है, क्योंकि कनाडा में नेशनल लैंग्वेजेस 4 है, ठीक है। वहाँ पे इंग्लिश भी चलती है, वहाँ पे पुर्तगालीज भी चलती है, वहाँ पे फ्रेंच भी चलती है, वहाँ पे एक और लैंग्वेज है कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अमेरिका में भी यही है। उसके बाद आपके जर्मन में भी इंग्लिश चलती है और डच चलती है, आपके रशिया में भी 2 लैंग्वेज चलती है। तो पाकिस्तान में लैंग्वेजेस का इतना रोला नहीं है, आपकी इंग्लिश और जो यूएस है वो ही ज़्यादातर आपके ब्राउजर्स और आपके मोबाइल फोन सब कुछ उसी के होते हैं। उसके बाद आप सेकेंड यहाँ से क्लिक करते हो कंट्री के ऊपर तो आपके पास जी 86% आई है पाकिस्तान से, फिर अमेरिका से और पूरी लिस्ट आ रही है। सी फुल रिपोर्ट करोगे तो हर कंट्री की जहाँ से एक एक बंदा भी आए वो भी आपको यहाँ पे काउंट कर देगा। उसके बाद सिटी वाइज आप करते हो तो सबसे ज्यादा कराची से आ रही है, लाहौर से आ रही है, इस्लामाबाद से। नॉट सेट का होता है कि कुछ लोगों ने वीपीएन सिस्टम चल रहे होते हैं, कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले हैं उनका पूरा सिस्टम वीपीएन पे चल रहा होता है तो इसलिए वो नहीं आते, और फिर जी फैसलाबाद के बाद टोरंटो आ जाते हैं। फिर आप ब्राउजर पे क्लिक करते हो तो आपको बताता है कि आपके पास तकरीबन 32% जो एंड्रॉयड के ऊपर आपका वेब व्यू होता है या एंड्रॉयड का जो ब्राउजर है वहां से आते हैं, फिर ये क्रोम से आते हैं, फिर सफारी इन ऐप, फिर
ठीक है, फायरफॉक्स और सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र जो अपना सैमसंग होता है वहाँ से आते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि 32% तो आपकी डायरेक्ट एंड्रॉयड की ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे। अच्छा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करती हो तो आपके पास 50% एंड्रॉयड है, आपके पास फिर iOS है, फिर विंडोज़ है, फिर मैकिंटॉश आता है, आपके पास लिनक्स भी वाले हैं, ठीक है, ब्लैकबेरी वाले भी हैं, आपके पास जो विंडोज़ फ़ोन थे माइक्रोसॉफ्ट के आए थे वो भी चलते हैं आपके पास। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में जी PTCL पे 18% है, फिर साइबर इंटरनेट, क्योंकि आपके पास कराची की ट्रैफिक ज़्यादा है तो कराची पे जो साइबर इंटरनेट है, जो गली मोहल्लों में छोटे छोटे नेट खुले हुए हैं वहाँ की ट्रैफिक ज़्यादा है। उसके बाद फिर आपके पास ये जो का मोबलिंक का 3G यूज़ करते हैं वो होता है, फिर सेम ये कराची में को IGW चल रहा है, ABC चल रहा है, डिजिटल ओशन, ये फिर वही आपके जो ब्रेड वो ब्रॉडबैंड वाले जो होते हैं वो आ रहे होते हैं। और ये जी हम रिक्वेस्ट करेंगे तैयबा चौधरी से कि अपना कैमरा ऑफ कर दें आप प्लीज़, आपका पर्दा और पर्दे के ऊपर लगे हुए जाले नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप चले जाते हैं जी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। थैंक यू जी कैमरा ऑफ करने के लिए। उसके बाद जी आप ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया था, स्क्रीन रेजोल्यूशन पे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो स्क्रीन रेजोल्यूशन वाला है पार्ट। ये आप यहाँ से देखते हैं कि आपके पास 26% लोग आ रहे हैं जिनकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है से 360x640, और ये जी मोबाइल फोन की स्क्रीन रेजोल्यूशन है। आप इसके ऊपर करते हैं एक अदद क्लिक तो आपको ये लेके जाता है कि जी ये सारे फोन्स हैं जिनकी स्क्रीन रेजोल्यूशन या वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ जी सैमसंग के ऊपर तो मेरे सामने एक मॉडल नंबर आ गया। ठीक है, ये सारे मॉडल्स आ रहे हैं जो कि सैमसंग के मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जहाँ से आती है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको कॉपी किया और मैंने गूगल में इसको जस्ट पेस्ट किया तो मेरे सामने आ गया कि सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge से मुझे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आई है इन गिवन्स डेट में, जो मैंने सेलेक्ट की हैं डेट्स, इन डेट्स में मुझे सैमसंग गैलेक्सी S7 से इतने बंदे आए। ठीक है, उसमें से न्यू यूज़र इतने थे, बाउंस रेट 3% था, बहुत ही कम लोगों ने बाउंस बैक किया, और उन्होंने मुझे 13,000 रुपये की शॉपिंग करके गए वो मेरे पास से। ठीक है, उसका कन्वर्जन रेट कितना बना, 3.7% के 100 बंदा आया तो 3 बंदा बाय करके चला गया। अब 47 का 3% आप निकाल लें कि कितने बंदे आए और कितने लोग ऑर्डर करके गए मेरे पास, 47 में से 2 बंदे मेरे पास ऑर्डर करके गए और वो मुझे दे गए तकरीबन 13,500 रुपये। ठीक है, अब मैंने दूसरे फ़ोन को उस मॉडल नंबर को सिलेक्ट किया, इसको मैंने डाला गूगल पे, इंटर प्रेस किया, आ गया जी J7 Prime। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड नंबर पे जो लो जो मोबाइल फोन से सैमसंग के फोन से आ रही है वो J7 है। इस तरह आप सारे फोन को सर्च कर सकते हो, देख सकते हो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स किस उससे आ रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आप अपनी कंपेन सेटअप, हमने कल पढ़ा था कि आप मोबाइल फोन सेलेक्ट कर सकते हो, आप सैमसंग एंड्रॉयड आईफोन इन सब की सिलेक्शन कर सकते हो, आप अपना एड सिर्फ उन लोगों को दिखाओ जो जिनके पास S7 Edge है। ठीक है, तो इट मेक्स सेंस टू यू और नॉट? ठीक है, उसके बाद आप डिफरेंट कर सकते हो कि अगर आप देखते हो कि जिन लोगों के पास आईफोन है उन लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, वो लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और जी वो तो बड़े अमीर लोग होते हैं, इस तरह की सब बातें आपने सुनी होंगी, शेख इमरान भी अक्सर ऐसी बातें करता है। बट आप ये देखो कि आपके पास लास्ट इस एक महीने में जो आईफोन के यूजर्स हैं वो नहीं है। ठीक है, ये वेबसाइट की मार्केटिंग अभी 2-4 दिन पहले से स्टार्ट हुई है, देखें 15 तारीख से स्टार्ट हुई है और 15 तारीख में अगर 4 दिन में हम देखें तो 4 दिन में हमारे पास ऑर्डर आए हैं 8-38,000 रुपये के। इन 8 ऑर्डर में से एक ऑर्डर भी हमारे पास उसने नहीं किया, इवन हमारे पास उसकी ट्रैफिक भी नहीं आई। ठीक है, तो आप अपनी कंपेन को सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं अपना ऐड जो चला रहा हूँ उसमें से आईफोन को मैं माइनस कर दूँ, कह रहा हूँ लोग मेरा ऐड नज़र ही नहीं आई जो कि आईफोन लेते हैं क्योंकि वो मेरी इंटरेस्टेड ऑडियंस ही नहीं है। ठीक है,
तो यही इस तरह से, और उसके बाद जो ऑडियंस में बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी काइंड ऑफ इसी तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक्स पे भी आपको ये मिलता है कि यार आपकी वेबसाइट पे किस जेंडर के लोग आ रहे हैं, मेल कितना आ रहा है, फीमेल कितना आ रहा है, ठीक है। गूगल के अकॉर्डिंग अभी तक दुनिया में सिर्फ 2 जेंडर ही चल रहे हैं, उसमें से वो बताता है कि यार मेल कितना है और फीमेल कितना है, ठीक है। उसके बाद जो एज है, ठीक है, वो एग्जैक्ट एज वाला एलिमेंट नहीं है, बट किसी ना किसी वे में वो इंटरेस्ट सेटअप कर लेता है, ठीक है, कि यार आप किस फोन से आ रहे हो, उस फोन का मॉडल क्या है, उस जी 3G से हो, 4G से हो, और बहुत सारे बिहेवियर्स आपके गूगल के पास ऑलरेडी जिस तरह फेसबुक के पास सेव होते हैं, जिस तरह गूगल के पास सेव होते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो आपका डाटा मैच करके एक सिस्टम बना देता है कि यार आपकी एज की किस विंडो में हो, ठीक है। सेकेंड, आपको सपोर्ट, इसको, इस डेटा को सपोर्ट करता है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक के पास तो आपकी एज है, आपने वहाँ जाके खुद बताया था, जैसे शेख इमरान ने अपनी प्रोफाइल में लिखा कि वो 17 साल का है, तो फेसबुक के पास आपकी सारा डेटा है और वो गूगल आपका वहाँ से डेटा कैप्चर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इंटरेस्ट वाइज में आप आ जाते हो, ठीक है, तो ये आपको डेटा दे रहा है कि आपके पास शॉपिंग शॉपर्स, वैल्यू शॉपर, अब ये सारे जो इंटरेस्ट हैं ये आप फेसबुक के ऊपर डाल सकते हो जब आप ऐड बना रहे हो, ठीक है। कि वो कहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे वो लोग आते हैं जो कि इंटरेस्टेड होंगे आर्ट्स में और एंटरटेनमेंट में, सेलिब्रिटीज में, एंटरटेनमेंट न्यूज़ में, न्यूज़ पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों में, एंड देन अपैरल फैशन ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो आप सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जियो टीवी पे आप जाते हो तो इट्स नॉट जियो टीवी, इट्स जियोग्राफिक्स और जियोग्राफिकल लोकेशंस। ये फिर वही सिटी लेवल तक आपको चीज़ें दिखाएगा, सोर्स नॉट अवेलेबल, प्लीज ट्राई, कुछ नेट के इशू की वजह से, ठीक है। उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन में जाते हो तो आपको ये डिवाइसेस और उन सब चीज़ों का भी डाटा आपको मिलता है, ठीक है। आपके पास टोटली मोबाइल फ़ोन से कितना आ रहा है, टैबलेट से कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है, देन इसको आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपको ये मज़ीद डिटेल में लेके जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था कि देखिए आपके पास आईफोन आ गया, आईफोन के कितने आपके पास आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें फिर इस तरह से चलती हैं। अच्छा, ये था ऑडियंस का कि जितना भी आपकी ऑडियंस वेबसाइट के ऊपर आती है। अच्छा जी, एनालिटिक्स उस टाइम रिकॉर्ड करना शुरू करता है जब आप वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर आप वेबसाइट पर नहीं पहुंचे तो आपका डाटा उस वेबसाइट के पास नहीं गया, आप पहुंच गए तो आपका डाटा गया, ठीक है। फिर एक्विजिशन में आते हैं तो ओवरव्यू में हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो किस चैनल से, और ये बेसिकली ज़्यादा ई कॉम रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। कि यार सोशल से कितनी ऑडियंस आई है, उसका बाउंस रेट कितना था, उसने कितने ट्रांजेक्शन की, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, डायरेक्ट से कितना हुआ, पेड से कितना हुआ, ठीक है। फिर आप ऑल ट्रैफिक में जाते हो, जाते हैं सोर्स एंड मीडियम में, जो कि मैं एनालिटिक्स खोल के सिर्फ एक ये चीज़ देखता हूँ कि यार मेरे पास लेट्स सपोज इंस्टाग्राम से कितने लोग आए, उन्होंने कितने ऑर्डर किए, कितना रुपया मुझे दे के गए, ठीक है। बिंग से मेरे पास कितने आए, मेरे पास डायरेक्ट कितने हैं, ऑर्गेनिक कितने हैं, और फेसबुक से कितने हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके पास पैसा आता है फेसबुक से, क्योंकि आपके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ही फेसबुक के ऊपर है। फिर जी गूगल एड चल रहा है तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, और सोशल में अगर आप जाएं तो भी आपको काइंड ऑफ दिस डेटा ही मिलेगा, ठीक है। फिर जी आपके पास सोशल में सबसे बड़ा फेसबुक है, फिर इंस्टा है, इंस्टा स्टोरी है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, ठीक है। और उसके बाद कितना टोटल वजेरी, अगर आपका 90 ऑर्डर आ रहे हैं तो 33% आपको सोशल का कन्वर्जन का शेयर होगा उसमें से, ठीक है। ये आ गया आपका, सॉरी, फेसबुक का शेयर आ गया, ठीक है। बाकी फिर मजीद चैनल बिल्ड होते हैं और एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ये आपकी एडवर्ड्स की कैंपेन चल रही है तो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाती है और यहाँ पे सारे डेटा आ जाते हैं। तो जी ये था जी एक्विजिशन का। फिर उसके बाद हम बिहेवियर्स में जाते हैं, ओवरव्यू में जाएंगे बिहेवियर्स के, तो लोग आपकी वेबसाइट पे पेज व्यूज़ कितने हो रहे हैं, यूनिक पेज व्यूज़ कितने हैं, ठीक है।
पर पेज कितना टाइम लगता है, पर पेज बाउंस रेट कितना आता है, और फर्स्ट पेज एग्जिटर्स कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। फिर उसके बाद कुछ SEO पॉइंट ऑफ चीज़ें के पेज टाइटल्स वो देखते हैं, उसके बाद सर्च क्या किया जाता है, किस चीज़ों पे सर्च आ रहा होता है, ठीक है, इसको भी देखा जाता है, इट्स काइंड ऑफ SEO थिंग। उसके बाद आप जाते हो बिहेवियर फ्लो के ऊपर। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ टुडे। सबसे पहले जी मुझे यहाँ तक बताएं कौन कौन बंदा बोर हो गया और किसने मेरे साथ आइसक्रीम खानी है। अमीर मान गुड, माशाल्लाह। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आसिफ साहब, आसिफ भाई साहब, क्या इंटरेस्टिंग है जी, कुछ थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें, स्टूडेंट्स को बताएं। नहीं फरूख साहब, आई कांट टेल यू, इट्स क्वाइट कॉन्फिडेंशियल। अच्छा जी, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, बेसिक मैं आपके सवाल का वेट कर रहा हूँ। ऊपर मुझे कुछ 3-4 सवाल थे, वो मैं क्लास एंड में करूँगा। कोई सवाल नहीं, सवाल नहीं तो मतलब कुछ समझ नहीं आया। शेख साहब आपका कोई सवाल, शेख इमरान साहब। सर अभी तक तो कोई सवाल नहीं। सर सर माशाल्लाह आप हयात है, मतलब हैं अभी तक हमारे साथ। अगर पीपल पार्टी का कायद जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो अगर जिंदा तो हम भी जिंदा। सर पब्लिकली ऐसी बातें ना थोड़ा सा सेंसिटिव होती हैं, यहाँ पे कोई अपने बाजू पे बोतल लगवा के फिर रहा और तो फिर भी चली है जी। 12 इंटरेक्शंस हुए हैं, ठीक है। आपके पास स्टार्ट में जो आए, ठीक है, इट्स लाइक के इंडियन आइडल का या रोडीज का जी, उन्होंने ऑडिशन हुआ, ऑडिशन में आ गए आपके पास ये सारे लोग, उसमें से लेवल 1 पे गए, लेवल 2 पे गए, 3 पे गए, करते करते जो फाइनलिस्ट था, ठीक है, वो पहुंच गए इस पेज पे। अब इसकी मजीद डिटेल के लिए आप इस पेज के ऊपर माउस लेके जाओगे, इस पेज के ऊपर क्लिक करोगे, किस ग्रुप से लिंक है, वो कौन सा पेज है, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा होगा। अब पूरी आप बना सकते हो, केस स्टडी बना सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो कि मेरे पास 3200 बंदा मेरी वेबसाइट के ऊपर आया, होम पेज पे वो कैटेगरी पेज पे गया, वो प्रोडक्ट पेज पे गया, वो एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट पे गया, दूसरे तीसरे पे गया, उस वो यहाँ इतने परसेंट हर इंटरेक्शन में इतने परसेंट लोग ड्रॉप होते गए, करते करते जो मेरे पास ऑर्डर्स आए वो आए बिल्कुल आपके पास लास्ट पेज पे होगा कि इतने लोग मेरे पास मेरे थैंक यू पेज के ऊपर आए और वो यहाँ से आके ड्रॉप हो गए, ठीक है। अब ये सेकेंड लास्ट पेज हो सकता है चेकआउट का पेज, चेकआउट के पेज से आपके पास 59% लोग ड्रॉप हो गए, और तकरीबन जो 12वें इंटरेक्शन पे था कि 550 बंदे ने चेकआउट किया और वो चेकआउट के पेज से उन्होंने फिर वेबसाइट को बंद किया और वो वहाँ से ड्रॉप हो गए, फिर उन्होंने अपना सर्कल कंप्लीट किया। अब कस्टमर कस्टमर की जर्नी, कस्टमर का बिहेवियर, ये सब चीज़ें यहाँ से काउंट कर सकते हो। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रोथ हैकिंग, ठीक है। आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जी ग्रोथ हैकिंग मास्टर हूँ मैं, या ग्रोथ हैकिंग में हमने काम करना है, या हमें जी ग्रोथ हैकिंग पॉलिसी के ऊपर चलना चाहिए, ठीक है। बहुत ही वर्ड आपने सुना होगा ग्रोथ हैकिंग का। बेसिक ये होती है ग्रोथ हैकिंग, आप एक एक डेटा को, एक एक पेज को पकड़ते हो और उस पे वर्किंग करते हो कि वो क्यों ड्रॉप हो रहे हैं लोग। ड्रॉप होने का मतलब कि लॉस हो रहे हैं ना, कि लोग जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, ठीक है, ये समझने के लिए ज़रूरत है। फिर उसके ऊपर वर्किंग करते हो। जस्ट एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ, एक केस स्टडी सुनाता हूँ, फिर हम आज का सेशन ये वाइंड अप करेंगे कि एक बंदा था चाइना में, वली बाबा पे जॉब करता था, उसने देखा कि एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक पेज के ऊपर से 80,000 की ट्रैफिक आ रही है और उसका जो ड्रॉप है वो 78 के अराउंड है,
ठीक है, 80,000 में से 78 बंदा ड्रॉप हो जाता है, सिर्फ 2,000 बंदा उस पेज से आगे जाता है। उसने उस पेज को खोला और उस पर देखा गया, उस पर जो आर्टवर्क लगे थे, डिजाइन लगे थे ना, वो थोड़े ब्लर ब्लर इमेजेस थे। उसने फौरी तौर पे उस इमेजेस को चेंज करवाया, वहाँ पे अच्छे इमेजेस और हाई डेफिनेशन इमेजेस लगवाए, और नेक्स्ट मंथ उस पेज पे अराउंड 91 लोग आए थे, और उसकी जो ड्रॉप थी वो सिर्फ 3,000 थी। पहले सिर्फ 2,000 रिमेनिंग था, बाकी सारा ड्रॉप था। इमेजेस चेंज करने के बाद 3,000 ड्रॉप हो गया, बाकी सारा रिमेनिंग आ गया उसके पास। तो ये होती है इस जो उसने वर्किंग की, इसको कहते हैं आपकी ग्रोथ हैकिंग। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट में आपको मैं जो क्वेश्चन से सिर्फ उसको एक रीड कर लूं। क्वेश्चन नंबर था जी फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल जी, अगले मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा कि व्हाट इज फेसबुक पिक्सल, और उसके बाद असल में कोड होता है जो कि ट्रैक कर रहा होता है आपकी वेबसाइट को, और जिस तरह एनालिटिक्स का कोड क्रॉल करता है आपकी पूरी वेबसाइट में, सिर्फ पिक्सल का कोड आपकी क्रॉल कर रहा होता है पूरी वेबसाइट में, और वो ट्रैक करता है और डेटा निकाल के लेके आता है कौन से पेज पर कस्टमर वो क्या कर रहा है, और उसने परचेज किया या परचेज नहीं किया। तो पिक्सल के थ्रू, कोड के थ्रू हमें उसकी सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। सेकेंड सर, हम एड मैनेजर पर एड का बजट सेलेक्ट करते हैं, तो वो दो टाइप का होता है, डेली बजट। डेली में हम ₹100 पर पे 4 डेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 4 डेज कंप्लीट होने तक हमारा बजट ₹100 से इंक्रीज होगा कि नहीं? अच्छा जी, आपने डेली ₹100 सेलेक्ट कर लिया और 4 दिन का टाइम दिया, तो वो चार डेली आपका अराउंड 400 ही रहेगा, वो 395 या 405 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो फेसबुक आपको चार्ज करता है वो ऑडियंस वाइज चार्ज करता है। लेट्स सपोज आप वो 4 दिन सेलेक्ट करो जिसमें आपकी टारगेट ऑडियंस फेसबुक पे बहुत कम अवेलेबल हो, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे किस दिन बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है तो फेसबुक ₹5-10 आपके इधर खर्चवा देता है, वहाँ पे ऑडियंस अच्छी आ रही है आप लगा दो, ठीक है, तो अराउंड 400 ही खर्च होगा। उसके बाद टोटल बजट में हमने 1 लाख ड्यूरेशन चार्जेस सेलेक्ट किया, तो उसमें से कंप्लीट होने तक हमारा बजट एक इंक्रीज होगा या नहीं होगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम किसी एड की मार्केटिंग करवाते हैं उसका बजट 1 लाख रखा है, तो हम कस्टमर से एड के एडवर्टाइजमेंट के कितने पैसे चार्ज कर सकते हैं? अच्छा जी, पहला क्वेश्चन था कि आपने अपना एक ऐड बनाया, अब आपने बनाया वो दोपहर को 3 बजे, और जो आपका डे सर्कल ख़त्म होने वो रात को 12 बजे होना है, ठीक है। आपने उसका बजट रखा ₹200, आप ये करो कि आप 24 घंटे डिवाइडेड बाय 200 करो, तो आपके पास आ जाएगा पर घंटे इतने लगने हैं। अब आपका दिन ख़त्म होने में कितने घंटे लगने हैं, पर घंटे मल्टीप्लाई बाय दिन ख़त्म होने में कितने घंटे, उतना बजट आपका एक दिन में उस टाइम में इस्तेमाल होगा। उसके बाद वो हर घंटे के हिसाब से वो आपको चार्ज करता है, ठीक है, कि इस घंटे में 1 लाख 200 में से 30-40 रुपये इस घंटे में लगने हैं, इस घंटे में लगने हैं, इस घंटे में लगने हैं। फिर वो सेकंड फेज आ जाता है ट्रैफिक के ऊपर, के रात को 2 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक जीरो होती है, तब सुबह उठ के अपने आज अगर 7 बजे उठ के देखते हो कि 200 एड मैंने डेली सेलेक्ट किया था और अभी तक तो सिर्फ ₹10 लगे हैं, क्योंकि तो ट्रैफिक नहीं थी, वो ऐड किसको दिखाए, वो जब तक ऐड किसी को लोगों में दिखाएगा नहीं तो आपको चार्ज नहीं करेगा। तो उसके बाद वो ट्रैफिक आपकी इंक्रीज होती है दोपहर को 3 बजे से लेके और रात को 8-9 बजे तक वो पीक तक जाती है, ठीक है, तो वो सारा सिस्टम इस कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो ये थी था आज का आपका लेक्चर।